नमस्कार आपण देखुन अर्गस अपडेट आपंक सह मुस्मी प्रथम हेडलाइंस पुणि बिगुड़ी कोरोना स्थिति राज्य में दिनक शहे उपर रही संक्रमण आज मुख्यमंत्री करेंगे कोविड समीक्षा सेपटे मालकानगिरी नाइट कर्फ्यू आज राति 9 सका 7 जाए कटक जनता कर्फ्यू को आज पूरला वर्षे भारत में संक्रमण द्वितीय लहर महाराष्ट्र में कोरोना स्थिति अधिक बेहाल गोटे दिन में 24,645 कोविड संक्रमित चिन्हट बहुचर्चित पूरी हत्या मामला आज अभियुक्त नाबालक जमीन आवेदन उपर शुणी नयागढ़ चिल्ड्रेन कोर्ट प्रकाश करे राय कटक पालुछी महात्मा गांधी आगमन शतवार्षिकी बाबूं स्मृतिचारण सहर में विशाल शोभायात्रा प्रदर्शनी है जातिर पिता फोटोचित्र मांगा मर्डर घटना मुदला नंबर 13 प्रताप जेना को कहीं सुरक्षा सत कह डरुची बीजेडी पचारिबारु देवी मिश्र कहिले मुह खोलिले खराब भाविबे मंत्री प्रताप को इस्तफा दाबी कला बीजेपी ओडिशा रे महिला असुरक्षित प्रति 24 घंटा रे 8 महिला दुष्कर्म शिकार विधानसभा गृह राष्ट्रमंत्री तथ्य बढ़ाला चिंता एक वर्ष राज्य में 2,984 महिला दुष्कर्म एवं दीर्घ 5 वर्ष पर कंधमाल फेरला जगह फुलवाणी जिला मुख्य मेडिकल चिकित्सा पर स्वतंत्र कैबिन में भर्ती स्वतंत्र डाक्टर टीम करेंगे जगार चिकित्सा देखा संपूर्ण खबर राज्य में पुणि कोरोना चिंता गत 4 दिन है 100 ऊपर रही संक्रमण संख्या आज कोविड समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री तबे हठात संक्रमण बढ़िया को नहीं चिंतार राज्य सरकार अन्य राज्य आसुवा लोकों यथाशीघ्र ट्राक कर टेस्ट करुत्व दि जाऊँगी टेस्टिंग आहुरी वृद्धि करपत्ति ग्रामांचल को संक्रमण न व्यापाई ठोस पदक्षेप नहीं राज्य सरकार गाँव में पुणि थे सक्रिय होब कोविड मैनेजमेंट कमिटी परिचालना दायित्व में सरपंच वार्ड मेम्बर मानक सामिल से हीपरी आशा और अंगनवाड़ी कर्मी मैंने गाँ गाँ बुली कोविड संक्रमण को नहीं सचेतन करेंगे बोली एसआरसी कहते अंपटे डीजी एनफोर्समेंट नहीं एसपी मानक कड़ा निर्देश निर्दिष्ट भाव मार्केट मॉल आदि जनगहलीपूर्ण स्थान मानक कोविड नियम पालन होने कड़ाकड़ी भाव जांच होपटे दोल पूर्णिमा और होली राज्य सरकार पक्षर कटक लागू गतकाली भुवनेश्वर एक्सआईएमबी रु एकाथरे के 45 संक्रमित चिन्हट पर शिक्षा अनुष्ठान को 10 दिन सिल कर बीएमसी तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर रु सीधा सड़क जो प्रतिनिधि सतरपा सामंतराय सतरपा पुणी थे कोविड रो जो लहर पुणी थे बढ़ुची केउठा केउठि समस्त चिंतित राज्य सरकार यहाँ नहीं चिंतित राज्यवासी यहाँ नहीं चिंतित आम चिंतित कि सब बड़ कथा जितेबाला पुणी थे से नुआ स्थित देखा मिलूँ जहाँ सूचना रही कि मालकानगिरी नाइट कर्फ्यू आज ठार आरंभ हो केउठना केउठि समस्त यहाँ चिंतित अच्छा तेज पुणी थे जहाँ सूचना रही कि पुणि थे आउ थे से लॉकडाउन से शटडाउन ए परिस्थिति आसबनी तो गत कालीर जहाँ घटना ता वर्तमान चिंताजनक एवं उद्वेगजनक घटना घटना देखा मिली जितेबाला राज्य में तीन सप्ताह 4 सप्ताह गोटे मस तौक जदि आम पल राज्य स्थिति भल था कि वर्तमान परिप्रेक्षी में जहाँ रही राज्य खासकर भुवनेश्वर जो रही कोविड संक्रमण संख्या धीरे धीरे ऊपर को वृद्धि पाँच कोविड संक्रमण जो मैंने रही है गत काली जदि कह एक्सआईएमबी जो रही जावियर यूनिवर्सी गत काली सिल कर दिखाई कारण गोटे दिन में पखापाखी से जो 201 जन नमूना संग्रह कराइला से पखापाखी 30 रु ऊर्ध जो रही कोविड संक्रमण काली बाहरी थिले यह सहित गत काली बीएमसी पक्षर नोटिस जारी करा कि भाव में जो भिड़ पुणि थे करानजिव एनफोर्समेंट
टीम पुणि थरे विभिन्न जगा गुड़ी करे चढ़ाऊ करिवो। अन्य पटे एसआरसी मध्ये काली कहिसेंती कि जदि परिस्थिति को देखा जाए आगो को जदि स्थिति आउरी संगीन हेबारे लागुची निहाति भावरे जो लॉकडाउन शटडाउन रो स्थिति वर्तमान परिप्रेक्षी रे नथिले आगामी दिन रे वर्तमान लॉकडाउन शटडाउन करा जाई पारे बोली मध्ये सूचना मिलिची। एवं जो मालकानगिरी कथा आपण कहुतले मालकानगिरी रे ताकर जिल्लापाल वर्तमान जो नाइट कर्फ्यू रहिची नाइट कर्फ्यू को जारी करिसेंती तो कोठी ना कोठी समस्त भितर पुणि थे से भय देखा गला कारण कोरोनार द्वितीय लहर जदि कह द्वितीय स्ट्रेन गोटे प्रकार जदि देखा सब धीरे धीरे राजधानी भुवनेश्वर परिलक्षित होउची तो कोठी ना कोठी सब जिला गुड़िक वर्तमान सब जो अंगनवाड़ी कर्मी रही दीदी रही स्वास्थ्य कर्मी रही समस्त को पुणी थे एक्टिव कर तो कोठी ना कोठी यहाँ भी गोटे प्रश्न उठू कहीं बंद कर कारण कोविड संपूर्ण भाव में राज्य जाइन कोविड संपूर्ण भाव में यार मूलपोच हो नाला कहीं से गुड़ी को बंद कराइला और बंद कर फल वर्तमान लोकों भितर जो डर किसी दिन पूर्व कमी जाता वर्तमान पुणी थे कोरोनार द्वितीय स्ट्रेन देखा मिली। आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यार समीक्षा करेंगे कोविड्र समीक्षा करेंगे पुणी थे से समीक्षा करेंगे तो गत किसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री समीक्षा लोकों सचेतन कराइले कि कोरोना संपूर्ण भाव में जाए ना एवं समस्त को सतर्क रहा निहाती दरकार बोली से कहते कि वर्तमान पुणी थे देखो आउ थे कोविड्र संक्रमण देखा मिली राजधानी तथा राजधानी अन्य अंचल गुड़िकीरे धीरे संक्रमण बढ़वे लगी। राजधानी एक्सआईएमबी कथा जदि आम कह एक्सआईएमबी को गत काली सिल कर दि जाइए शनिवार दिन समावर्तन उत्सव होता समावर्तन उत्सव में अनेक लोक जोग देते अनेक छात्र छात्री जोग देते राज्य तथा राज्य बाहर छात्र छात्री आसते तो कौटी ना कौटी जिते बु जिन देखा मिली तो सबुआड़ू प्रश्न उठू कोरोनार द्वितीय लहर पुणी थे आरंभ क्योंकि जिते बड़े पूर्व स्तर जो स्थिति उपजी जिते बड़े समस्ते चिंतित थे किसीटा जिनस को कोहल कर तेज सामान्य कोहल के राज्यवासियों पुणी थे भारी पड़ा कि निहाती देखंतु जो कोहल करा जाइतला नियम गुड़ी को साधारण रे भिड़ न करबा अजथा काम नथले घरु न बाहरिबा ए सब जिंस करा जाइतला किंतु वर्तमान रो स्थिति जहाँ रही जो कोहल कला परे पुणी थरे कोरोना देखिया को मिलिची कोविड देखिया को मिलिची संक्रमण आरटीपीसीआर टेस्ट को वर्तमान गुरुत्व दिया जाइची लक्षण देखिले सीधा सड़क भाव में आरटीपीसीआर टेस्ट करिया को कहा जाइची तो कोठी ना कोठी जेतेबेले संक्रमण आम देखी गत किसी दिन पूर्व राजधानी भुवनेश्वर संक्रमण संख्या 7, 8, 5 एभली स्थित आम देखी किंतु वर्तमान स्थिति जहाँ रही राजधानी भुवनेश्वर कथा कहतु खोर्धार कथा कहतु धीरे धीरे उपरमुहाँ होनार ग्राफ पुणी थे उपरमुहाँ है गोटे दिन में संक्रमण संख्या 100 रु ऊपर को भी आसला तो निहाती कोठी ना कोठी पुणी थे लोकों भितर भय देखा मिलला सरकार वर्तमान चिंतित हो सारे कारण जो कोरोनार जो सेकेंड फेज कहुची जहाँ को द्वितीय लहर बोली साधारण कहुच्छा पुणी थे देखा मिलला जो रही वर्तमान स्थिति संगीन है विभिन्न काली बीएमसी पक्षर कहुच कि एयरपोर्ट बसस्टाण एवं खासकर रेलवे स्टेशन ए तीनटी जगह को अति गुरुतर भाव में निजी से ही जगह गुड़ी को जो मैंने जावा आसवा करमकर स्वास्थ्य परीक्षा करा जिबो एवं थर्माल स्क्रीनिंग एवं मास्क पिंधा पुणी थे बाध्यतामूलक करा जिबो एवं जो भी भिड़ अंचल एनफोर्समेंट टीम पुणी थे चढ़ाऊ जारी रही समस्त पुणी नियोजित हे कि क्योंकि जितेबाला लगातार गत 4 दिन है 100 ऊपर रोच संक्रमण संख्या क्योंकि यह समस्त एक प्रकार चिंतार कारण पलट बहुत बहुत धन्यवाद सतर्प आप समस्त सूचना। तो बड़े आज मलकानगिरी नाइट कर्फ्यू कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी जिला प्रशासन मलकानगिरी नाइट कर्फ्यू जारी कर मार्च 23 रु 31 तारीख जाए यह कर्फ्यू बलवत्तर रहिबा बोली कहा जाए राति 9 रु सकाल 7 जाए कर्फ्यू बलवत्तर रहिबा मलकानगिर बड़ यात्रा को दृष्टि रखी एभली पदक्षेप निया सूचना मिली जिले में बड़ यात्रा और होली खेल जो कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी जिला प्रशासन यह कटक लागू कर
आजि कटक पाळुछि जातिर जनक महात्मा गांधीको सहरको आगमन र शतवार्षिक उत्सव बापुङ्क स्मृति चारण पाइ सहरले स्वतन्त्र कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। कटक रेल स्टेशनले बापु जेउ बाटो दे काठजोडी नदी कूलरे पहुँचे सभा करथिले सही बाटो दे एक विशाल शोभायात्रा बाहरिछि। यासह 100 वर्ष तळे गांधीजी व्यवहार करथिबा विभिन्न सामग्री गुडिकर फोटोचित्र गुडिक एक प्रदर्शनी मध्ये लगा जायछि। 1921 मसिहा मार्च मास 23 तारिख सही दिन ओडिशा गस्तर आसीथिबा जातिर पिता महात्मा गांधी काठजोडी नदी पठारे एक सभारे आयोजन करथिले एवं सही ऐतिहासिक दिनर स्मृतिचारण करबा पई एकाठी होईची ऐतिहासिक सहर कटक। एने आजि कटक सहरे एक स्वतंत्र उत्सव आयोजन करा जायछे। तेब अधिक सूचना पई आम सहित कटक रु सीधासळख जन प्रतिनिधि इमरान खान। इमरान, आमे या पूर्व बुलेटिन में देखीजे जे भोली भावे आपण मध्ये तार चित्र देखाउथिले समस्त अनेक उत्साह सह आज दिनटी को पालन करछंती। पूरा कटक सहर आज गांधीमय हो वर्तमान चित्र कौन रहे देखो विस्मी जो गांधीजी 100 वर्ष पूर्ति अवसर जो कटक आगमन को लेकिन जो विचार कार्यक्रम करतमान जेहेतु आज ये कार्यक्रम रेल स्टेशन रू आरंभ होता है और पाखापाखि 6 किलोमीटर यही पदयात्रा चलो बर्तमान दृश्य देखे जेहेतु यही दृश्य आसिक पहुंची मेडिकल छक राणिया छक आसिक पहुंची और कटक सहर जो स्मृति रही गांधीजी को लेकिन से ही स्मृति को लेकिन आज यही रैली करी मध्यम समस्त आसिक जोड़ी आम सहित अच्छा कटक युव नेता कटकवासी सहित आलोचना करवा गांधीजी को जो स्मृति रही 100 वर्ष पूर्ति अवसर में पुणि थे गांधीजी पुणा स्मृति गोटे जीवित कर निश्चित रूपे पुणा स्मृति जीवित कर देखु युव छात्र महिला वृद्ध टू आरंभ कर विभिन्न वर्गर लोक मैंने गांधीजी स्मृति उन्मोचन करने ही सामिल होती आम से बहुत उत्साहित जातिर पिता महात्मा गांधी समस्त आदर्श आम पिता ओडापी मैट्रे से जन्म ओडा मैट्रे से पाद धोते हैं अत्यंत आमपाई खुशी दिन पालन करुँ समस्त मतलब सामिल होती समस्त बहुत बहुत धन्यवाद सामिल होती कथा जो कह समे सामिल होती समस्त जो रही गांधीजी सहित जो संपर्क रही कटक सहित जो जड़ित थे गांधीजी और 100 वर्ष पूर्ति अवसर में समस्ते ये आसिक सामिल होती दल जाति धर्म निर्विशेष समस्ते ये आसिक यही व्यक्ति यही कार्यक्रम रैली में बर्तमान सामिल तेज चित्र होने देखिपे जो भाई भाव में कटक सहर आज पालुचे जातिर जनक महात्मा गांधी सहर को आगमन शतवार्षिकी उत्सव समस्ते अनेक उत्साह अच्छा अनेक खुशी सह से सामिल होती आज पूरा जी कह कटक सहर एक प्रकार गांधीमय परेश देखा मिली बापूं स्मृतिचारण पर सहर स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन कर तार चित्र आप देखिपे तेबे कटक रेल स्टेशन रो बापू जेउ बाटो दे काठकोडी काठजोडी नदी कूल रे पहुंचे सभा करथिले सही बाटो दे एक विशाल शोभा यात्रा बाहरिछि। एहा स 100 वर्ष तले गांधीजी व्यवहार करथिबा विभिन्न सामग्री गुडीकर फोटोचित्र गुडीक एक प्रदर्शनी मध्ये लगा जायछि। तार चित्र मध्ये हमरा देखि पारथिबे जे भलर अति सुंदर भाबरे समस्त एथिरे सामिल होछंती अनेक उत्साहर सह शतवार्षिकी आज उत्सव पालन करुछंती महात्मा गांधीकर सहर अर्थात कटक सहर को आगमन शतवार्षिकी उत्सव यह हूँ तार ज्वलंत चित्र जो भाई भाव में समस्त अनेक उत्साहित अच्छा अनेक खुशी सामिल होती अनेक गोटे नुआ जदि कह रूप देखा मिली समस्ते से उत्साह सह सामिल होती जो रास्ता जहाँ सूचना रही कटक रेल स्टेशन बापू जो बाट दे काठजोड़ी नदी कूल में पहुंचे सभा करते ही बाट दे विशाल शोभायात्रा बाहर थी सूचना रही है। बहुत धन्यवाद इमरान आप समस्त सूचना पाए। विधायकों गाड़ी धक्कारे शिक्षक गुरुतर भद्रक जिला 16 नंबर जातीय राजपथ भंडारी पोखरी निकट रे मर्मतुद दुर्घटना गोटे जने शिक्षकों धक्का दला रेमुना विधायकों गाड़ी गुरुतर अवस्था शिक्षकों कटक बड़ मेडिकल स्थानांतर कर विधायक सुधांशु शेखर पड़ा भुवनेश्वर रेमुना अभिमुखे आसुवा बेले गाड़ी चका फाटी जबार दुर्घटनाग्रस्त होता शिक्षकों धक्का देवापर डिभाइडर उपर चढ़ी जाता गाड़ी गुरुतर शिक्षक भंडारी पोखरी अंचल स्मृति रंजन बोली जमापड़ी तेरे दुर्घटन रेमुना विधायक सुस्थ सूचना मिल्च
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ନୟାଗଡ଼ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଓକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିପାରନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫୁଲବାଣୀ ଫେରିଲା ଜଗା। କଟକ ଏସ୍ସିବିରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପରେ ଜଗାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହ କନ୍ଧମାଳ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ମାତୃ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଏମ୍ସିୟୁଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଜଗାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜଗା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ଜଗା ଏବଂ କାଳିଆକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଜଗା ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର 1,03,410 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 6,347 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୈଦେଶିକ ଋଣ। ନାବାର୍ଡ଼ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି 15,623 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ। ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର 1,03,410 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 6,347 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୈଦେଶିକ ଋଣ। ନାବାର୍ଡ଼ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି 15,623 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଋଣର ପରିମାଣ 53,385 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣଭାର 23,524 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2009-10 ମସିହାରେ 9,180 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13,765 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଋଣଭାର ସର୍ବମୋଟ 1,17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମହଙ୍ଗା ତାତି ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। 302 ଦଫା ଲାଗିଥିବା 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମୁଁ କହିଲେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବ। ଶୁଣିଲେ ତ, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ମହଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ମାଟି, ସ୍ତ୍ରୀ ହରାଉଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ପୁଅ ହରାଉଛି ବାପାକୁ। ହେଲେ ସତ କହିବାକୁ ସାହସ ପାଉନାହିଁ ବିଜେଡିର, ଏପରିକି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଖରାପ ଭାବିବେ ରୁଷିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଟକର, ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବ। ଆଉ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ଦେବୀ ବାବୁଙ୍କ ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେବୀ ବାବୁ କ'ଣ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଧଳା ମୁଖା ତଳେ ଥିବା କଳା ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ସେପଟେ ଆଜି ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଥିଲା ବିଧାନସଭା। ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସଭ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ଗୃହ ହୋଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଦାବି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏତଲା ନମ୍ବର 13ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜେରା କରାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେବା ଯାଏ ଗୃହକୁ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି। 7 ବର୍ଷରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି।
ବିଜେଡିରେ ରହିଲେ 302 ଦଫା ଲାଗିଲେ ବି ସବୁ ମାଫ। ଡବଲ ମର୍ଡର କେସରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସିଧା ସିଧା ଆରୋପ କରାହେଇଛି ଯେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ 13 ନମ୍ବର ତାଲିକାରେ ଅଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାହେଲେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲାପରେ ସେ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ ଅଛି 13 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ, ସେ ଲୋକ ବିଧାନସଭାରେ ବସିପାରିବ କିପରି? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅତୀତରେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ସାଧାରଣ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ କଲେ, ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଜନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଧାରଣ କେସ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଜେଲ୍ରେ। ଏବଂ ଆଜି ୟାକୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ମାଙ୍ଗା ଫାଙ୍ଗାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି, ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଥା। ସାତ ବର୍ଷରେ ମହଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 5 ମୁଣ୍ଡ। 2014 ମସିହାରେ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ, 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନା, 2021ରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ବରାଳ ଓ କୁଳମଣି ବରାଳ, ଓ 2021ରେ ଗଡ଼ିଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ମୁଣ୍ଡ। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହଙ୍ଗାରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାର କାହିଁକି ନିରବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। କିଛି ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ କରୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କଥା ଉଠୁଛି ତାର ଅବକାଶ ନଥିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ, ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ହେଇଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ କଥାଟି ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଣୁ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଆଉ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେବ କି? ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଲାଗୁ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ କାହିଁକି ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ନାହିଁ? ଇଏ ତ ସଙ୍ଗୀନ, 302 ଦଫାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ମହଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ହେଲେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 3-3 ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଘଣ୍ଟ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରଖିବା ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।